हेलो गाइस, बेसिकली आज मैं बनाने वाली हूँ भरमा टिंडे। उसके लिए मैंने क्या किया है, टिंडे दिए, छीले, वॉश कर दिए और इस तरह से स्लिट लगा लिए। उसमें चार, बेसिकली पूरा काटा नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बैक साइड टिंडे की ये है और इस तरह से स्लिट कर दिए चार हिस्से, मतलब चार फाके करिए, नीचे से नहीं काटा, जॉइंट रहना चाहिए इसका, ठीक है। साबुत ही रखेंगे इसे। ये है हमारा मसाला जो कि मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ। इसके अंदर है गरम मसाला, अमचूर, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च एंड नमक। उसके अंदर मैंने डाला 2 चम्मच ऑयल और इसको कर दिया लिक्विड फॉर्म में ताकि इसको भरने में हो हमें आसानी। ऑयल गरम होने, ठीक है, ये ऑयल हो रहा है गरम। तो अपने टिंडों के अंदर स्पून की हेल्प से मसाला अच्छे से टिंडे में दबा के भरना, बढ़िया से मसाला एकदम भरना। भर लिया मैंने परफेक्ट मसाला, गाइस ये टिंडे हैं, टिंडों में भर लिया परफेक्ट मसाला। ऑयल हो गया है गरम, गैस करेंगे सिम, टिंडे डालेंगे और ढक देंगे। ऑयल में मैंने डाल दिए हैं टिंडे, अब इन्हें ना ढक देंगे। बेसिकली मुझे इन्हें सिम पे बनाना है ताकि ये गल जाए अच्छे से, तो सिम पे इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब आता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, बेसिकली टिंडे की पलटेंगे इस साइड और इस तरह से दबाएंगे। आप आवाज़ सुन सकते हैं, ये जो टिंडे के अंदर का पानी है ना, वो पानी निकल गया और हमें ना पानी चुकाना है और इसी पानी में टिंडे को गलाना है भाप में, पानी और ऑयल में ये टिंडे इस तरह से। देखिए पानी की अब आवाज़ सुन सकते हैं, मैंने कोई पानी नहीं डाला, ठीक है। इस तरह से टिंडे की साइड पलट पलट के पानी निकाल निकाल के हम इसे गला लेंगे। वापस रख दिए 10 से 5 मिनट के लिए।